वालेकुम तमाम दोस्तों को और मेरी तरफ से सबको या अली अलैहिस्सलाम मदद। और काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, तो आज हम एक व्लॉग बनाएंगे। हमारे गांव में अलम पाक सवार होते हैं, तो उनकी मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। कल है पहली मुहर्रम और हम आपको आज मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास इमाम बारगाहें भी हैं, तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। तो ये हम आ गए इमाम बारगाह पर, ये है जागीर इमाम ज़माना इमाम बारगाह, तो इसके अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, याली मदद। वालेकुम सलाम साहिब, मौला अली अलैहि सलाम। क्या हाल है आपके? मौला के करम फर्स्ट क्लास। कैसी चल रही तैयारियां? कल तो फर्स्ट मुहर्रम है, मौला के एहसान है साहिब। तो और भी क्या होगा टाइम सवार करने का मुझे बताते हैं, और तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? सर इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि तकरीबन 8 दिन से हमारे जो भी अंजुमन के लड़के हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, बशमूल आपके फरहान भाई, इमदाद भाई और भी सारे, सब ने दिन रात मेहनत की है और इस मेहनत का नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अलम पाक आप देखें, माशाल्लाह तकरीबन फुल तैयारी हो चुकी है। अब जो हमारा फाइनल प्रोसीजर बचा है, इसको लाइटिंग का जैसे टेस्ट लेना है और उसके बाद बैरक लगाकर आज इंशाल्लाह इसको सवार करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि आज पहली मुहर्रम की रात हो गई, पहली मुहर्रम की रात। अच्छा, ये रिजवान भाई आपने क्या लगवाया है, थोड़ा ये बताएंगे आप? सर ये जो दिन में धूप में अगर आप आएँ तो ये बिल्कुल आग की तरह, ये जो फर्श है इस पर आप पाँव नहीं रख सकते, तो ये एक केमिकल है, इस केमिकल की वजह से आप इस पर चल रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ये ठंडा है? बिल्कुल बिल्कुल ठंडा है, आप इसको फील करें। मैं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं जल रहे पाँव, आप खड़े हैं। और वैसे काफ़ी लोग जैसे कालीन बिछाते हैं, तो ये एक नई टेक्निक है, हमने इसको यूज़ किया है। इंशाल्लाह बहुत सारे आपके पाँव के लिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा रिजवान भाई आपसे एक सवाल है। जी सर, मुझे तो मालूम है लेकिन जो हमारी वीडियो की तवसल से देखेंगे उसको मालूम नहीं होगा। आप बताएंगे इस पे जो बेरक लगती है, यानी कि झंडा लगता है, हमारी निशानी लगती है, वो कहाँ से आती है? ये बोला के करम है, जब से हमने ये अलम पाक सजाना शुरू किया है, जब से हमने ये इमाम बारगाह को खड़ा किया है मौला की हाजिरी से, तब से लेकर आज तक 2 या 3 दफ़ा इस पे शाम की बैरक बीबी ज़ैनब के रोज़े की, ज़ैनब सलामुल अलैहा के रोज़े से, और 3 से 4 मरतबा करबला से आई है। माशाल्लाह। जो मौला हुसैन अलैहि सलाम, मौला अब्बास अलैहि सलाम, अली अलैहि सलाम के रोज़े से बाकायदा उनके हरम से मस्त की हुई, बिल्कुल ज़बरदस्त बैरक है जो हमने, जो आज लगेगी। और एक दफ़ा का मौजज़ा भी है। अच्छा, वो कौन सा मौजज़ा है? हम बिल्कुल नाउम्मीद होके बैठे थे कोरोना की वजह से, बेशक, और हमारे पास बैरक स्टॉक में थी नहीं, तो इत्तफाकन आपको ही शायद कॉल आई एक दोस्त की कि मैं करबला से आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 2 दिन पहले या एक दो दिन पहले, दो दिन पहले उसने आपको कॉल की है, कुछ चाहिए तो मैं लेके आऊँ, मैं लेके आऊँ, और आपने यही फरमाइश की कि खुदा के वास्ते हमारे लिए बैरक लेके, बैरक लेके आए, और वही बैरक लगी थी। वहाँ से बैरक आई और अलम सवार करने से ठीक 1 घंटा पहले पहुँची है। बिल्कुल पहुँची, हाँ बिल्कुल सही, हमने वो बैरक इस पर सवार। अच्छा, तो आज जो बैरक चढ़ेगी वो कौन सी है? आज माशाल्लाह से जो बैरक हम इस पर सवार करेंगे वो शाम से बीबी ज़ैनब सलाम, बीबी ज़ैनब या माशाल्लाह है, लब्बैक या ज़ैनब, इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आएंगे बाद में, ये जो लास्ट में इमाम बारगाह जो अलम सवार होगा ये लास्ट में होगा, जो अभी होने जा रहा है वहाँ पर चलते हैं, फिर आपको मैं वहाँ के मंजर दिखाता हूँ इंशाल्लाह। वहाँ पर बैरक भी लगाएंगे और इंशाल्लाह। साहिल भाई, हेलो साहिल, हेलो, क्या हाल है? ये जैद भाई, हेलो जैद, अकेले अकेले खा रहे हो यार? न्याज मुलाका या ऐसे ही खाली?
इसको आप जानते होंगे, पहले भी व्लॉग में काफ़ी मरतबा आया था, मीर नजफ अली टालपुर, लेकिन बहुत बड़े से व्लॉगर हैं। ये है अब्बास भाई, भाई आली मदद, ये है वारिस भाई, वारिस नाम याली मदद, क्या हाल है, और ये है मतीन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए, ठीक ठाक। ये है हमारे मौजम भाई, इसको आप पहले भी वीडियो में देख चुके हैं, और जो असली ड्यूटी है वो देते हुए, भाई आली मदद, नोमी भाई क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ, आप सुना, अच्छा कैसी तैयारियां चल रही हैं अभी, बस अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अभी आखिरी मराइल में और थोड़ी देर में इंशाल्लाह सवार होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेरक आ गई है, बेरक आ गई जी जी, बेरक आ चुकी है, आपको बेरक में दिखाता हूँ जी जी, ये है बेरक, माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह कुछ ही देर में ये अलम सवार हो जाएगा, ठीक है, बाकी जो दो अलम है आपको दिखा गया है वो बाद में होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अभी वीडियो जो बना रहे हैं वो मीर नजफ भाई बना रहे हैं, ठीक है, मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अलम बाग सवार हो चुका है, अब चलते हैं वहाँ पे वापसी। Hello. तो ये सारे मोमिनीन, आपने मुझे देखा था पहले भी क्लिप में, बिल्कुल बिल्कुल, हेलो हेलो, अब माशाल्लाह से दूसरे अलम पे जाएंगे इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह चलते हैं, साथ ही चलते हैं इंशाल्लाह। ये है मीर सदा साहब, जनाब दो अलम इमाम बारकों के हमने सवार कर दिए, बाकी दो रहते हैं, एक जागीर इमाम ज़मैना आपको दिखा था पहले, अभी हम चल रहे हैं वहाँ पे, और दूसरा जो अलम है उस पर अभी काम बाकी है, वो हो जाएगा, लाइट की फिटिंग हो रही है, तो इमदाद भाई अंदाजन आज रात को ये फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह, मगरिब के बाद वो सवार करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम ये पहुँच गए जागीर इमाम ज़माना, ये बॉयज साहब ने बैठे हुए हैं, बारिश वाले हो गए, दिल दानों से आती थी या
तो जनाब ये है हमारी आखिरी इमाम बारगाह जो कदीमी है। 1942 में ये बनी थी या 1940 में, जब पाकिस्तानी नहीं बना था तब से ये इमाम बारगाह है। यहाँ पे अलम नसब था लकड़ी का, इस इलाके में सिख रहा करते थे तो वो गए थे, मेपुर खास शहर था, छोटा शहर था, लेकिन वहाँ से वो लकड़ी लेके आते, यहाँ पर निशान हमने नसब किया था। तो ये भी सवार करेंगे, सारे सवार हो गए माशाल्लाह। ये है असद भाई। हेलो असद भाई, क्या है आपको?